गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं एक अपने अच्छे पेशेंट से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। पेशेंट जो है वो 35 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, दुबई से ये प्रोसीजर कराने मेरे पास आया है। तो आई फील समटाइम्स वेरी ओवरवेल्म कि वहाँ से यहाँ तक वो मुंबई भी जा सकते थे, दिल्ली भी जा सकते थे, पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते थे, दुबई में भी करा सकते थे, और वहाँ से मेरे लिए इधर आए हुए हैं। तो सुबह ही जस्ट आए थे, अभी वापस निकल रहे हैं, बेसिकली मुंबई से हैं पर दुबई में सेटल हुए हैं। तो उनका ओपिनियन जानते हैं कि उनको क्या एक्सपीरियंस रहा, ये तकलीफ क्या थी, ये कराना चाहिए ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, इसका एक्सपीरियंस क्या रहता है, तो वो आपको सर बताएंगे। सर प्लीज़ आपका एक्सपीरियंस। हाय, एक्चुअली एक्सपीरियंस ये है कि गायनेकोलोजिकल जो ट्रेनिंग इशूज जो है मुझे लास्ट 4 to 5 ईयर्स से था। बिकॉज ऑफ दैट रीजन बहुत बार एम्बेरसमेंट ऑफिस के अंदर, फ्रेंड सर्कल में और बहुत सारी चीज़ों में हमें इशूज़ होते थे। सो अनफॉर्चुनेटली मैंने 4 ईयर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन से 4000 से भी ज़्यादा मैंने वीडियो सर्च किए, रिसर्च किया, देन बट ट्रस्ट फैक्टर कहीं बैठ नहीं रहा था। बहुत सारी जगहों पे प्राइजेस वगैरह ये वो, देन आफ्टर उनके वीडियो सारी चीज़ें करने के बाद ट्रस्ट फैक्टर मुझे कहीं नहीं बैठ रहा था। बट वेन आई कॉल डॉक्टर शाह, वो टाइम पे मुझे एक लगा कि यस, यहाँ पे ट्रस्ट है। मैंने उनके वीडियोज सर्च किए, उनके पास जो नॉलेज था, उन्होंने जो हमारे साथ शेयर किया था वो एक्सट्रीम था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हुआ। आज मॉर्निंग में मैं आया हूँ, मुझे मुंबई एयरपोर्ट पर बहुत इशूज़ हुए बिकॉज ऑफ डॉक्टर शाह। मुझे मुंबई एयरपोर्ट पे कोई भी इश्यूज नहीं हुए, मुझे इजीली वहाँ से यहाँ तक आने के लिए परमिशन मिल गई क्योंकि कोविड वहाँ पे स्टॉप किया था। मॉर्निंग में आया हूँ, स्टाफ ने बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया, एज वेल एज मुझे यहाँ पर बहुत कंफर्ट जोन में मिला है यहाँ पे। एज वेल एज सर्जरी में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं हुई, स्मॉल होती है वही है, अदरवाइज कोई नहीं। मैं दुबई का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने वहाँ पे भी ऑपरेशंस के लिए बहुत बार बात की, बट जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है प्राइस देने के बाद भी वो नहीं हो रहा था मुझे वहाँ पे। वहाँ की प्राइस अगर आप आज की कंपेयर करेंगे तो एक अप्रोक्सीमेट इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 4 लाख रुपीज़ के आसपास है, 3 लाख to 4 लाख। बट इतना देने के बाद भी मेरा ट्रस्ट वहाँ पे बिल्ड नहीं हो पा रहा था किसी के ऊपर। बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन से मिला मैं, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ पे आने, यहाँ इनसे बात करने के बाद, डॉक्टर शाह से बात करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एक अच्छा गेन हुआ, एंड मैं दुबई से यहाँ पे पर्सनली उनके पास अपने ट्रीटमेंट करा लिया। एंड आई एम हैप्पी कि मुझे पेनिंग नहीं हुआ जितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड था 3 से 4 दिन, बट हार्डली 10 to 15 minutes का पेनिंग था। उसके बाद मैं नॉर्मल रूटीन में हूँ नाउ, आई एम गोइंग, मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ मुंबई में। एंड लाइक टू से थैंक यू डॉक्टर शाह फॉर दिस। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ओवरवेल्म फील करता हूँ, पैसे सेकेंडरी होते हैं, पैसे डेफिनेटली किसी को भी चाहिए, किसी को भी अच्छा लगता है 3-4 लाख रुपए प्रोसीजर का मिलेगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा। पर आई फील समटाइम्स के मैं हो सके उतना मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को, विलेजेस के जो लोग हैं जो इसको साइकोलॉजिकली उससे सफ़र कर रहे हैं, मैं उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रीच कर पाऊँ, मैं मैक्सिमम हेल्प कर पाऊँ, वो इंटेंशन से मैं यहाँ पे अहमदाबाद में काम कर रहा हूँ। और जो रिजल्ट है वो वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड के, मैं वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देना चाहता हूँ, पर अफोर्डेबल प्राइस में देना चाहता हूँ, जिससे मैं मैक्सिमम लोगों को ये तकलीफ जो है साइकोलॉजिकल उसमें से उनको बाहर निकाल पाऊँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो आप शेयर करोगे आपके दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हेल्प हो पाएगी। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ अच्छे से प्लास्टिक सर्जन से कराइए। आपको ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो हमारी टीम आपको हेल्प करने के लिए ट्राई में रहेगी। आपका इनका एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो दुबई मुंबई एयरपोर्ट में उनको रोका गया था, जस्ट मैडम ने मेरे को बोला, तो आउट ऑफ वे में जाके आई हैव ट्राइड टू हेल्प हिम आउट। सो वो एक मेरा ट्रस्ट रहता है कि मेरा पेशेंट है, मेरा मेरे ट्रस्ट से आया हुआ है, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो हर जगह पे, जहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट में आए, स्टेशन पे आए, वहाँ से मेरे पास किस तरीके से आए, यहाँ पे उनका खाना पीना रहना, जब तक घर ना पहुँच जाए, जब तक उनका सेफ रिकवरी पीरियड ना हो, वो मैं हर चीज़ चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना ये उनका स्मूथ रहना चाहिए, और मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर पाऊँ, यही मैं इंटेंशन के साथ यहाँ पे अहमदाबाद में काम कर रहा हूँ। तो आपको गायनेकोमास्टिया की तकलीफ है तो आप कभी भी हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।